मैं कभी से दूरों को उजागर ना करूंगा। मैंने सही किया ना? किसको मारूं? तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे हम दोनों, ठीक है? थैंक यू, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे परमिशन दे दी मिलने की। इतनी बड़ी फैमिली से हैं आप, मिनिस्टर तक पहुंचोगे, आपकी परमिशन तो आपको देनी ही थी। लेकिन अगर आपकी जगह कोई और होता तो परमिशन के प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता। जाइए, यहीं है वो, बात कर लीजिए। कैसे हो? जान लेने वाली पूछ रही कि कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे सामने आने की? जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? खुद मुझे जेल में भेज करके देखने आई हो कि मैं जेल में कैसा लगता हूँ? आप यहाँ अपने गुनाहों के वजह से हो, आपके गुनाह आपको खुद यहाँ जेल में लेकर आए। मैं नहीं, मैं यहाँ टिप्सी की वजह से आई। बहुत याद करती है वो आपको। आपके जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं आई, एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए, उसके लिए आपसे मिल नहीं सकती लेकिन आप खुश तो हो जाएगी वो, और मैं संभाल लूंगी उसे। बहुत फिक्र है मेरी बेटी की, तो मुझे यहाँ जेल से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? बंद करो अपना ये नाटक, मेरी बेटी की फिक्र करने का नाटक बंद करो। नाटक नहीं कर रही हूँ, मुझे है फिक्र। डर गई? नहीं, डर तू अब, क्योंकि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे लिए डरना बहुत जरूरी है, और रही मेरी बेटी की बात ना, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी है, वो रह सकती है वो कैसे भी। जाओ यहां से, जाओ। और सुन, यहां से जाने के बाद ना वापस आने का रास्ता भूल जाना, क्योंकि अगर तुम यहां पे वापस आई तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। I'm sorry आंटी, मैंने देखा नहीं, मेरी गलती है, I'm sorry। नहीं बेटा, गलती मेरी थी, मैं ही अपने ख्यालों में थी, मैं नहीं देख सकी तुम सामने से आ रही हो। सॉरी बेटा, नहीं बेटा, सॉरी। आपका काम हो गया? जी। चलिए। ये सब, ये तैयारियां, ये क्या हो रहा है? मैं बताना ही भूल गया एक्चुअली कि हाँ, शादी। लेकिन बताने वाली बात ये है कि शादी आज है। वो क्या है ना परिधि, आज बहुत शुभ दिन है,
और शुभ दिन पे अगर कोई अशुभ चीज सामने आ जाए तो अच्छा सा नहीं लगता, एक धक्का लगता है। वैसा धक्का जैसा मुझे लगा था कि मेरी धर्म पत्नी मेरी आंखों के सामने किसी और के साथ चली गई, हाथ में हाथ डालकर। उस दिन तुम चली गई थी, आज मैं जा रहा हूं। लेकिन उस दिन काफी कुछ बदल गया, रिश्ते बदल गए थे, इंसान बदल गए थे, और तो और चेहरे भी बदल गए थे। और ये जो चेहरा है ना तुम्हारा, इस चेहरे से मुझे सख्त नफरत है। इतनी नफरत कि मैं एक पल भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी आंखों के सामने। इसलिए मैंने सोचा कि जो शादी कुछ दिनों बाद होने वाली थी वो क्यों ना आज ही हो जाए। अच्छा, आपको मेरी शादी होगी ऋतु से और मेरी बहन श्रेया की शादी होगी कबीर से। दो दो शादियां मतलब दो दो खुशियां आएंगी इस घर में। अरे कमाल है, तुम्हें फिर धक्का लग गया। परिधि, तुम तो बिना बताए चली गई थी, मैं तो तुम्हें बकायदा इन्फॉर्म करके ऑफिशियली शादी करने जा रहा हूं। एक बात अच्छे से जान लो तुम, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी सी भी जगह नहीं है और ना ही मैं ये रिश्ता रखना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारा एक एहसान होगा मुझ पर परिधि, कि तुम ये शादी होने से पहले ये घर छोड़ के चली जाओ। प्लीज समझ ही नहीं पाया, कभी मेरे लिए आंसू बहाती हो तो कभी मुझे छोड़ के चली जाती हो, और फिर अचानक 6 महीने बाद लौटती हो और पूछती हो कि 6 महीने बीत गए और जो कुछ बचा है ना, अगर वो नहीं बीता तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बहुत दूर चली जाओ, बहुत दूर। शायद मेरे दिल का दर्द थोड़ा कम हो जाए, शायद थोड़ा सुकून मिल जाए मुझे, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुमने नहीं देखा दर्द। अरे दादी सा सो गई। थैंक गॉड डॉक्टर ने कहा शाम तक इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मुझे इनकी बहुत फिक्र हो रही थी। टिप्सी, ये सब तुम्हारी वजह से। अब यहाँ रुको, दादी सा का ध्यान रखो और प्लीज उन्हें तंग मत करना, ओके? अब और मेरी डॉल, अब एक नया खेल है मेरे पास खेलने के लिए। जब तुम्हारी ये बूढ़ी दादी उठ जाएंगी, मतलब अपने पैरों पे उठ जाएंगी, उसके बाद ये नया खेल खेलेंगे हम। पता है क्या करेंगे? इस बूढ़ी दादी को मार देंगे। ओके। ये देख कबीर, देख शादी का जोड़ा, ये कहने कितना सब कुछ। शादी होने से पहले मेरा होने वाला पति देव यानी कि वो करोड़पति देव इतना सब कुछ करे तो शादी के बाद कितना करेगा यार, तू सोच। भगवान कबीर, ये तो वो वाली कहावत सही हो गई यार कि गांव बसाने और लुटेरे पहले आ गए, वो भी हम जैसे। अरे शुरुआत इतनी अच्छी है तो सोच अंत कितना अच्छा होगा। भगवान मैं तो पागल हो गई। आराम से आराम से, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर तुम्हारी ये बात किसी ने सुन ली ना तो अभी के अभी तुम्हें और मुझे बाहर फेंक देंगे। जो बैंड बजने वाला है शादी में अभी बज जाएगा। आराम आराम से मजे बनाओ, आराम आराम से ये लो, आराम से खुशियां मनाओ, आराम से। कबीर, तेरी बहन ने ना इतनी कच्ची बोलियां नहीं खेली है। ऋतु राम है मेरा, समझा? तेरी बहन का ये प्लान कभी फ्लॉप नहीं होने वाला।
बस ये याद रख कि हम बैंक के दरवाजे के ऊपर खड़े हैं और हमें कैसे भी करके इस बैंक को लूटना है, और बैंक हमारे कंट्रोल में है। और बाय चांस ये बैंक हमारे कंट्रोल में नहीं हुआ ना, तो आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दूं कि ये बैंक हमारे कंट्रोल में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए सब सेट है यार ऐश कर। ये सब कुछ सेट है जैसा हमने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही। क्या प्लान बना है, क्या मुर्गा फंसा है बहना, करोड़पति मुर्गा राजवी, क्या माइंड ब्लोइंग प्लान बना है। पहले उसकी भोली भाली बंदी मोटी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके बाद उसे प्रेग्नेंट किया, और बहना मैंने तुझे भी राजवीर के साथ डायरेक्टली सेट कर दिया लाइफ टाइम तक। बस अभी तो ऐश करना है, खाओ पियो और मजे करो। उसके पास इतने पैसे ना कि हम दोनों मिलके दोनों हाथों से उठाए ना फिर भी कम नहीं होने वाले। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये राजवीर ने पैसे बहुत कमाए हमारे लिए। हमारे लिए राजवीर ने वो सारी दौलत हमारे लिए तो कमाई है, हमारे ऊपर लुटाने के लिए। शादी से पहले वो इंसान हमारे लिए इतना कर रहा है, तो सोच शादी के बाद कितना करेगा, और अगर नहीं करेगा तो मैं निकल पाऊंगी। लुटेरी दुल्हनों लूटूंगी तो जरूर।